ये देखिए खूबसूरत साइड से नदी बह रही है किनारे किनारे, और बहुत ही मनमोहर मन को प्रसन्न करने वाले प्रकृति की गोद में जो आभास होता है ऐसे भी हम दृश्यों के साथ अति सुंदर नज़ारों के साथ मैं आप सभी के सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ। थोड़ा सा जुबान में हफा निकल के लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर जंगल में मैं पैदल आ चुका हूँ। मेरे साथ अभी रास्ते में जंगल में 2 वनवासी लकड़ी काटने वाले मिले थे। उन्होंने बताया कि इधर तरफ कहीं उन लोगों की आवाज़ उन्हें सुनने को मिली। आइए खोजते हैं, देखते हैं कि वास्तव में इधर तरफ वो लोग हैं या नहीं। एक बार मैं भी आवाज़ देके देखता हूँ आवाज़ रिपीट आ रही है कि नहीं। मनो, हाँ दूर से वो देखिए ऐसा फील हो रहा है कि अब मिल गए हम लोगों को, और मैं आप लोगों को उन लोगों को आभास भी ना चले पता भी ना चले और उनके पास तक पहुँच कर उनका रिएक्शन दिखा। ये देखिए तब तक ये नदी का कटाव है, जब बरसात में पानी बढ़ता है तो यहाँ नदियाँ बहती हैं। अभी नदी चूँकि सूख चुकी है तो उस कटाव के ऊपर हम चल रहे हैं। वो देखो पीछे पीछे वो जूम करके दिखा रही है, देखिए जिन्हें हम खोज रहे थे वो इधर मिले जाके। अरे हर हर महादेव, हम जानवर तो नहीं देख पाए। अरे यार मैं लकड़ी वालों से तुम लोग का पता पूछा हूं, मैं बोला कहां भटक गए यार तुम लोग। ये देख अभी भी ऐसा लग रहा है सीढ़ियां समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फाइनली हम संभवतः मंजिल की तरफ पहुंच गए हैं,
ऊपर में लोग पहुंच चुके हैं और मैं भी धीरे धीरे मंजिल के प्रति जाता हुआ और ये सीढ़ियों को खत्म करने का प्रयास करता हूँ। 730 सीढ़ियों का लंबा सफर था, हालत बैंड हो गया, फिर भी महादेव का आशीर्वाद है, सही सलामत चढ़। हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय। नमस्कार दोस्तों, ये हम लोग निकलने का पूरा प्लान हो चुका है। अब यहाँ से जाने का प्लान, यहाँ पे बहुत सारे साथी लोग हैं जो यहीं पर कैंपिंग करने का प्लान बना रहे हैं। देखिए ये यहाँ से हम लोग की चढ़ाई से भोलेनाथ की आवाज के साथ चलते हैं हम। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हम रास्तों के बीच में पत्नी पहाड़ों में कटे हुए रास्ते बने, इधर तो हमारे लिए सफर चालू हुआ था, उन रास्तों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। और बहुत ही विकट रास्ते हैं यहाँ पर, बहुत ही हिसाब से गाड़ी चलाना पड़ता है, एकदम पहाड़ों के किनारे किनारे रास्ते बने हैं। दिखा रही बगल में पूरी की खाई नज़र आ रही होगी आप लोगों को, थोड़ी सी चूक बहुत ही जानलेवा है यहाँ पर, बहुत ही संभाल करके, इसीलिए मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ड्राइविंग करते समय एक चेहरा दिखाना खतरनाक है। और बहुत ज़्यादा ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी नहीं। यदि और क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी इसे रुक गया था, दिखा दीजिए कि कितनी, अगर कम से कम हमारे अंदाज से तो कई सैकड़ों फीट नीचे दिखाई है, काफ़ी ऊपर है, काफ़ी दुर्गम रास्ता।